हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और विंटर स्पेशल रेसिपी, जो है बथुए की पूड़ी। इनसे खाने में बहुत ही टेस्टी, झटपट बनने वाली, बहुत ही अच्छा ये नाश्ता है। आप नाश्ते के तरीके से भी खा सकते हैं, स्नैक के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी है, विंटर स्पेशल है, बहुत ही हेल्दी होता है बथुआ हमारी सेहत के लिए भी, और इसे तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पसंद करेंगे। अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आधा किलो बथुआ लिया है, ये देखिए। इसमें से सभी पत्तियाँ तोड़ लेनी है और सभी डंडियाँ हमें इसमें से निकाल देनी है। ये देखिए, हमने आपको ये करके भी दिखाया है, इस तरीके से ये करना है। और देखिए, जो डंडी है इसका कोई उपयोग नहीं है, तो इसे साइड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको एक दूसरी करके भी दिखा रहे हैं, इस तरीके से कितनी आसानी से इसकी लीव्स आ जाती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी सभी बथुए की लीव्स निकाल ली हैं। ये सारी स्टैंड्स यानी डंडी आ चुकी हैं, तो इन्हें अब हम फेंक देंगे। ये वाले बथुए को हम अच्छे से पानी से पहले एक से दो बार वॉश करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है एक से दो बार। अब हमें एक कंटेनर या फिर एक भगोना लेंगे, उसमें पानी बॉयल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा तो हम हाथ से इसमें इस तरीके से बथुआ ऐड कर देंगे और 15 से 20 मिनट इस गर्म पानी में अपने बथुए को भीगे रहने देंगे। फ्रेंड्स, हमने बथुए को इसलिए नहीं उबाला, अगर हम अपने बथुए को उबालते तो बथुए में से सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम सभी निकल जाते, तो क्या फ़ायदा ग्रीन वेजिटेबल्स खाने का। इसलिए हम इसे 15 से 20 मिनट केवल गर्म पानी में ढक के रख देंगे भिगा कर। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक लेंगे मिक्सी ग्राइंडर या फिर जार, और उसमें हम ऐड करेंगे ये बथुआ जो गर्म पानी में हमने भिगा के रखा हुआ था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 15 से 20 मिनट हो गए हैं ऐसे भीगे हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये वाला पानी है बथुए का, इसे भी हम यूज़ में लेंगे जब हम बथुए का आटा मलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इससे हमारे बथुए के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अभी बरकरार हैं, हमारी ग्रीन सब्जी खाना बहुत हेल्पफुल और बहुत ही पौष्टिक भी रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से गर्म है तो स्पैचुला की हेल्प से इसे, जो छन्नी वाला स्पैचुला होता है, उससे निकाल कर इस मिक्सी ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, एक और एडवांटेज है हमारे बथुए को ना बॉईल करने का, वो है ये, इसका कलर। हमने इसे बॉईल नहीं करा तो इसका ग्रीन कलर अभी भी इसमें प्रेजेंट है, अगर हम इसे बॉईल कर देते तो ये फेड हो जाता, हल्का ब्राउनिश ब्लैक हो जाता। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे 4 कली लहसुन की। फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन खाते हो तो इसमें लहसुन ज़रूर डालें, क्योंकि लहसुन से इसका टेस्ट भी इन्हेंस होता है और बहुत अच्छी पूड़ी बनती है हमारी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इसमें डाल दी 2 हरी मिर्च। अगर आप यहाँ लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसमें हींग का प्रयोग करें। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ले लिया है गेहूँ का आटा, और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर वैसे हमने 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करा था। ये देखिए फ्रेंड्स, नमक डालने के बाद साफ़ हाथों से हम नमक को अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो हम इसमें डालेंगे वो बथुए वाला पानी जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे जब हमारा बथुआ ठंडा हो जाएगा तभी हमने उसका पेस्ट बनाया है। अगर हम गर्म का पेस्ट बनाते हैं तो बाहर निकलता है मिक्सी ग्राइंडर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका पेस्ट बनाने के बाद हम इस आटे में इसे ऐड कर देंगे, ये जो बथुआ, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट था। ये देखिए, हमने इसे इसमें ऐड कर दिया है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। फ्रेंड्स, देखिए अब हमें पानी की रिक्वायरमेंट, तो हमने बथुए वाले पानी को जार में ऐड कर दिया है ताकि जो भी चिपका हुआ बथुआ हो वो निकल जाएगा इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप अपने आटे को मलते रहें, जितना अच्छा आटा मलेगा उतनी ही अच्छी हमारी पूड़ी बनके तैयार होंगी, एक साथ सारा पानी ना डालें।
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आटा लग चुका है अच्छे से। अब हम इसे अच्छे से मैश कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आटा गूंद चुका है। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ढककर एक प्लेट से। ये देखिए, अब हम इसे 15 मिनट बाद चेक करा हमने, तो हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसमें एक थोड़ा सा तेल डाल देंगे। ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, रिफाइंड, तो ये हमने इसमें डाल दिया है। और रिफाइंड डालने के बाद हम इसे एक बार और अच्छे से मसल लेंगे या मल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छे से मल लेना है इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से मल लेना है। हमारा आटा ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। फिर हम अपने आटे को इस तरीके से दो भाग में तोड़कर इसे इस तरीके से रेक्टेंगुलर या सिलिंड्रिकल शेप देकर इस तरीके से इसमें छोटे छोटे पूड़ी वाले पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे अच्छे से हाथ से इस तरीके से गोल गोल कर सभी पेड़े अपने तैयार कर लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे चकले पे रखकर इसके आगे पीछे तेल लगाकर और हल्का सा तेल अपने बेलन पे लगाकर इसे बेल लेना है। फ्रेंड्स, आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और फ्रेंड्स आप इसे बथुए के रायते के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, नॉर्मल रायते के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम कुछ ही दिनों बाद आपके लिए लाएंगे बथुए की रायती की रेसिपी, तो प्लीज़ उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत ही टेस्टी, न्यूट्रिशियस, बहुत ही अच्छा बनता है और वो भी विंटर स्पेशल है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस कुछ इतनी होनी चाहिए। हमने अपनी कढ़ाई में तेल डालकर उसे गर्म होने के लिए रख देना है। जब हमारी कढ़ाई का तेल गर्म हो जाएगा तब हम अपनी पूड़ियों को तल लेंगे। फ्रेंड्स, आप एक साथ ही सारी पेड़े बना पूड़ी बना के रख सकते हैं, फिर आराम से उसे तल दीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारा तेल होगा वो भी गर्म ठंडा फ्लक्चुएट नहीं होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा और बहुत ही अच्छे से हमारी सभी पूड़ी बन के तैयार भी हो जाएंगी। इसलिए हम पहले सभी को बेल लेंगे और फिर उसे तलेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक करके पूड़ी ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गर्म तेल में ही पूड़ी तली जाती है, कितने अच्छे से फूल रही है। ये देखिए, हम पहले इसके ऊपर से इस तरीके से एक बार करछी डालेंगे। ये देखिए किस तरीके से फूल गई है, बहुत ही टेस्टी बनती है। या आप इसे आलू टमाटर की सब्जी के साथ या किसी भी नॉर्मल सूखी सब्जी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे पलट देंगे। और ये देखिए, पीछे से भी थोड़ी सी हल्की हल्की हम इस तरीके से इसमें करछी लगाएंगे तो एक पौधी फूलना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हम अपने सभी पूड़ियों को तैयार करेंगे।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशियस बथुए की पूड़ी। फिर ये बहुत ही टेस्टी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आप अपने इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।